ये आग धीरे धीरे तेज पकड़ती गई, उसके बाद में आधा घंटा करीब उसके बाद में यहाँ आग बुझाने के लिए यहाँ आई। प्रशासन भी टाइम पे नहीं आया था, टाइम पे नहीं है, पुलिस वाले भी बाद में, बल्कि अजमेर पास में है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देरी हुई आने में। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज अ JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। जयपुर रोड NH 8 पर आकाशवाणी के पास चलते हुए ट्रेलर में लगी आग। अलवर कोटपुतली से श्री सीमेंट ब्यावर सीमेंट भरने जा रहा था ट्रेलर। रविवार दोपहर जयपुर रोड NH 8 आकाशवाणी के पास हाईवे पर चलते हुए ट्रेलर की केबिन में आग लग गई। ट्रेलर चालक ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए ट्रेलर को सड़क किनारे लगाया और ट्रेलर में पड़े पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग अचानक विकराल हो गई, तब उसने कूद कर अपनी जान बचाई। हाईवे पर जा रहे लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियां लगभग आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक आग से पूरी केबिन जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायरमैन महावीर सिंह ने बताया कि दो गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन एक गाड़ी से ही आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जल गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सर, हमें सूचना मिली कि आकाशवाणी केंद्र के पास ट्रक में आग लगी। सूचना मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पे काबू पाया। गाड़ी में आग की वजह शॉर्ट सर्किट रही है सर। कोई जनहानि? कुछ भी नहीं हुआ सर। किसका था, कहां से कहां आ रहा? सर, ये मोटर मालिक का अभी पता नहीं है, वो ड्राइवर बता सकता है। आग पे काबू पा लिया? हाँ सर। अच्छा, कितने फायर ब्रिगेड आ गई है? यहाँ पे दो गाड़ी आई है सर, लेकिन हमने एक गाड़ी से ही काबू पा लिया सर। वहीं ट्रेलर के चालक घनश्यामपुर रामगंज अमेठी UP निवासी महेश कुमार यादव ने बताया कि चलते हुए ट्रेलर में अचानक शॉर्ट सर्किट से ड्राइवर साइड से आग की लपटें उठती दिखाई दी, तो उसने ट्रेलर को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और ट्रेलर में पड़ी एक पानी की बोतल से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेज़ी से बढ़ गई। फायर ब्रिगेड भी काफ़ी देर के बाद आई है, जब तक ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जल चुकी थी। सर, हम अजमेर से आ रहे थे, अचानक हमारे सामने ही पता नहीं किस शॉट के कारण ये ट्रक के अंदर अचानक आग लग गई, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइवर साहब ने इतनी हिम्मत दिखाई, अपनी जान जोखिम में देख करके उन्होंने खुद कूद के जान बचाई और बहुत ही लाजवाब यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन ये आग धीरे धीरे तेज़ पकड़ती गई, उसके बाद में आधा घंटा करीब उसके बाद में यहाँ आग बुझाने के लिए यहाँ आई। प्रशासन भी टाइम पे नहीं आया था, टाइम पे नहीं है, पुलिस वाले भी बाद में, बल्कि अजमेर पास में है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देरी हुई आने में। ये NH 8 जयपुर अजमेर सर, और बागर 5 सीरी सीमेंट में क्या हुआ अचानक? बस सर, गंध मारा, उसके बाद आग लग गई। किस तरह से आग को बुझाने का काम? एक बोतल पानी था उससे भेगा और कुछ नहीं था। फायर ब्रिगेड आ गई मौके पर? नहीं, आधा घंटे में चलती रही पूरी गाड़ी। अरे पाली आधा चीज तो भी नहीं आया टाइम पे। ट्रेलर आपका खुद का ही है क्या? अरे किसी की हो यार, है तो सामान ही अभी आई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? पूरी गाड़ी जल गई।